जनपद पंचायत बुढ़ार के समीप ग्राम पंचायत बहगड़ की समस्या अपना डेरा जमाए अच्छा खासा शयन मुद्रा में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज जनपद बुढ़ार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनदेखी के चलते भ्रष्टाचार इस कदम पर बढ़ा हुआ है कि ग्राम पंचायत का एक छोटा सा कर्मचारी गरीब जनता का आर्थिक और मानसिक अंधाधुंध शोषण कर रहा है, लेकिन जनपद के उच्च पद पर बैठे अधिकारी द्वारा अपने दायित्व का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा। इसका भरपूर लाभ ग्राम भगड़ का सहायक सचिव शारदा जोगी द्वारा उठाया जा रहा है। आवास दिलाने के नाम पर गरीब लोगों को गुमराह कर उनसे 500-500 रुपए अवैध तरीके से सहायक सचिव शारदा जोगी द्वारा वसूले गए, जिसकी शिकायत जनपद पुड़ार में की गई और गरीबों द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आखिर जनता का शोषण करने वालों को अधिकारी द्वारा इतना संरक्षण क्यों दिया जाता है? इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? कहीं अधिकारियों का सह तो नहीं गरीब जनता यह सोचने पर मजबूर हो गई? कहने के लिए प्रजातंत्र है, पर जब प्रजा का ही शोषण हो रहा है तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो उन्हें भ्रष्टाचारियों से बचा सके? यह जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बनता चला जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रभा तिवारी। क्या दिक्कत है आपको? हमारे पास देख लीजिए सर, रहने के लिए घर नहीं है। हमसे पैसा लिए 500 रुपए, बोले आपका घर निकल जाएगा। कौन लिया पैसा? सहायक सेक्रेटरी जो है गोलू, क्या कहते हैं उसको, शारदा जोगी नाम है उसका। अच्छा, और ले लिया। क्या कह के लिए 500 रुपए आप? वो लिया कि हम घर निकलवा देंगे, लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। और अभी तक तो आया नहीं है। बोलते हैं आदिवासियों को होगा, आप लोगों को होबे नहीं करेगा, तो क्या हम मर जाएं सर? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, बेरोजगार हैं, बताइए। सरपंच से बोले आप? जी, कई बार तो हम लोग ने बोले और जाके अपना कागज वगज भी दिए, तो कोई वो नहीं करते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और लोगों से लिया पैसा ही? और लोगों को हम नहीं जानते सर, लेकिन हम दिए हैं। आप हमारे घर देख लीजिए चल। आवास के नाम से लिया है जी? क्या बोला, सूची में नाम आएगा? हाँ, बोला सूची में नाम जल्दी आ जाएगा आपका। वर्मा जी, कहाँ है? बहगड़, ग्राम बहगड़। ग्राम बहगड़। क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या हुई थी? ये जो घर है आवास योजना वाली, तो इसमें 500-500 रुपए बोल के कि आवास आएगी, जल्दी आएगी लिस्ट में, तो अभी तक ना आवास आई ना लेटरिंग बनी है। किसने लिया 500-500? ये सहायक सचिव ने। क्या नाम है उसका? इसका नाम जगदीश जोगी है, नहीं, जगदीश प्रधान है, सचिव है, और रोजगार शारदा जोगी। रोजगार शारदा जोगी। ये कहाँ का है? ये ग्राम बहगड़ का सहायक सचिव है, लेकिन किराहा का है वो। अच्छा, तो क्या कह के लिए आपसे पैसा? कि घर जल्दी निकलवाएंगे, लिस्ट में नाम जल्दी लाएंगे। फिर आपने संबंधित अधिकारी से बात की? हाँ, बुढ़ार भी गया है वो ब्लॉक में। किन से बात की आप? सीओ से बात की, तो बोल रहे थे कि हम आएंगे देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। सीओ साहब बोले आप? तो इसमें और कितने लोगों से पैसा लिया उसने? ये जिनसे मिल सका है, अपने मोहल्ले में 10-15 लोगों से लिया, बस्ती में भी लिया है पैसा। लिया है पैसा? लिया है। रोजगार सहायक? रोजगार सहायक लिया है। तो सरपंच से आप बात की है? सरपंच से? हाँ, सरपंच के हाथ में नहीं, बोला मेरे हाथ में नहीं है इस समय, जो है उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है 5 साल की, बोले केवल अभी इस समय साइन नहीं कर पाते हैं, अधिकार में है।